बता दें एमपीपीएससी 2024 के लिए बड़ा बदलाव, अब 60 के बजाय 110 पदों के लिए परीक्षा होगी। एमपीपीएससी 2024 में 50 नए पद जोड़े गए हैं। नए पदों में एमपी वित्त सेवा के 26 और अधीनस्थ लेखा सेवा के 22 पद शामिल हैं। दो पद अन्य श्रेणी में रखे गए हैं। तो एमपीपीएससी 2024 के लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। 18 फरवरी तक रजिस्ट्रेशन, 1 जनवरी 2024 से आयु की गणना की जा रही है। तो कुछ बड़े बदलाव किए गए हैं और उन बदलाव की जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं इस वक्त की ये बड़ी खबर। एमपीपीएससी 2024 के लिए बड़े बदलाव किए गए हैं, जिसमें कि 60 के बजाय 110 पदों के लिए अब परीक्षा होगी। और अब खबर ग्वालियर से आ रही है, जहां गैंगरेप मामले का तीसरा आरोपी, उसको भी गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनका जुलूस भी निकाला गया। 30 जनवरी को गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया था, नाबालिग के साथ इन्होंने गैंगरेप किया था। अब तीनों की गिरफ्तारी के बाद इनका जुलूस निकाला गया है। ग्वालियर से बड़ी खबर, गैंगरेप के आरोपियों का जुलूस निकाला गया। तीनों आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए। 30 जनवरी को इन्होंने नाबालिग के साथ गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया था। गैंगरेप के आरोपियों का पुलिस ने जुलूस निकाला है। 30 जनवरी को वारदात अंजाम दी गई थी, तीसरा आरोपी भी गिरफ्तार किया गया है और फिर तीनों गिरफ्तार आरोपियों का एक जुलूस निकाला गया। बलात्कार का कोई वकील नहीं होगा आज, ना कभी होगा, कोई वकील नहीं होगा।